दोस्तों, अगर आप लोग टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से या टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो या हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो इसमें मैं बताऊंगा आपको पांच ऐसी मूवी जो आपको देखनी चाहिए और उससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप हैकर की फील्ड में जाना चाहते हो तो शायद हो सकता है कल को आने वाले दिनों में आप ये मूवी देख के हैकिंग में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाए और कल को क्या पता आप हैकर ही बन जाओ। तो ज़्यादा टाइम लेते वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पाँच मूवी के बारे में। तो दोस्तों, जो पहली मूवी है द सोशल नेटवर्क, ये बनी है टोटल फेसबुक पे, यानी कि फेसबुक कैसे बना था, स्टार्टअप कैसे हुआ और फिर उसके बाद में उसमें फेसबुक बनने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। जब फंडिंग खत्म हो गई तो जो फेसबुक के फाउंडर, उन्होंने अपने दोस्त को पार्टनरशिप बना के और उससे पैसा लिया। तो इसमें टोटल फेसबुक के बारे में बताया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी हो सकती है। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो इस मूवी को जरूर देखना, क्योंकि ये एक छोटा सा सोशल नेटवर्क और आज पूरी दुनिया में फैल चुका है, चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो आप चाहो तो इस मूवी को देख सकते हो। एंड दोस्तों, जो सेकेंड मूवी है हु एम आई, यानी कि ये एक हैकिंग बेस्ड मूवी है जहाँ पे टोटली हैकिंग बताया गया है। यहाँ पे एक लड़का होता है 8 साल का और उसकी माँ सुसाइड नोट कर लेती है और बहुत अकेलापन सा महसूस करने लगता है। तो उसके बाद वो फिर ज़्यादातर अपना टाइम इंटरनेट पर बिताता है, वहाँ पर डार्क वेब वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखता है और उसको वहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। वहाँ पर उसे एक मिलता है हैकिंग का सुपर हीरो और धीरे धीरे उससे वहाँ पर मुलाकात होती है और इसके बाद वो एक बहुत बड़ा हैकर बन जाता है। फिर अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, ये जरूर आपको देखनी चाहिए। अगर आपके पास फ्री टाइम है इस टाइम, तो आप चाहो तो इस मूवी को देख सकते हो, इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होगी। एंड दोस्तों, जो थर्ड नंबर पे है मिक्की वायरस, ये थोड़ी सी कॉमेडियन मूवी होती है और इसमें हैकिंग के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। एक बेसिकली इसमें एक लड़का होता है जो बहुत ही ज़्यादा लेजी टाइप का होता है, यानी कि इतना लेजी कि हर किसी काम को सोचता है कि इसको मैं और कितनी आसान तरीके से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी सीखने को मिलती है कि जितना लेजी बंदा होता है, इतने 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 से बड़े कठिन काम को कितनी आसानी वे से, मतलब एक माइंड ना एक शार्पनेस की तरीके वहाँ पे हो जाता है कि इतने बड़े काम को इतने इजी तरीके से उसने कर लिया। तो थोड़ा सा हाइकिंग और कॉमेडी टाइप की मूवी है, आई होप कि इससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अगर शरीर के अंदर थोड़ा सा भी लेजीपन है तो इस मूवी को भी आपको देखना चाहिए। कुछ रुपयों का ट्रांजेक्शन हो जाता है किसी और के अकाउंट में, तो वो बंदी इससे हेल्प लेने के लिए आती है और ये पूरे बैंक सिस्टम को हैक करके और वो जो ट्रांजेक्शन होता है वो रिवर्स करवा देता। तो लॉ के अकॉर्डिंग ये मतलब एक तरीके से हैकिंग है। स्टीव जॉब्स, तो दोस्तों मैं बता दूं, आप अगर मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप वगैरह चलाते हो, अगर आप स्टीव जॉब्स को नहीं जानते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप उनको पहले से ही जानते हो कि इनके ऊपर पूरी एक मूवी बनी हुई है कि जो एप्पल कंपनी है वो कैसे फाउंड हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। एंड दोस्तों, ये पूरी जो मूवी है वो टेक्नोलॉजी बेस बनी है और इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। अगर आप चाहो तो इसे देख सकते हो। अगर आप स्टीव जॉब्स के फ़ैन हो तो इस मूवी को तो 100% देखना ही देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। और आप एंड दोस्तों, जो लास्ट मूवी है अनफ्रेंडेड डार्क वेब, ये थोड़ी सी हॉरर मूवी है, थोड़ी सी भूतिया है, डरावनी है, बट देखने में आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसमें टोटल डार्क वेब के बारे में बताया गया है कि जो बेसिकली डार्क वेब है वो कैसे काम करता है, कैसे इनिशिएट होता है, कैसे लोग हैक होते हैं या कैसे लोगों को हैक किया जाता है, तो उसी के बारे में टोटल बताया गया है। मतलब थोड़ा सा गेम के बारे में है कि अगर उसके साथ गेम नहीं खेलोगे तो वो आपको मार देता है, कुछ इस तरीके की बेसिकली मूवी है। थोड़ी डरावनी है, अगर हो सके तो इसे नाइट में मत देखना, नहीं तो थोड़ी सी आपको डर लगेगा। बेसिकली वो अच्छी मूवी है, अगर आप चाहो तो इसे भी देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय जय हिंद, जय भारत।